नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं DND न्यूज। 16 मार्च से 12 से 14 साल के आयु के बच्चे को कोविड-19 वैक्सीन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2008, 2009 और 2010 में जन्म लेने वाले बच्चे को वैक्सीन दिया जाएगा। देश में 12 साल से या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति कोविड पोर्टल पर और अन्य ऑथराइज प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख एल मंडारिया ने ट्विटर के माध्यम से इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन रोल आउट की घोषणा की है। पोस्ट में लिखा है कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 12, 13, 13, 14 साल के आयु के बच्चे को कोविड वैक्सीन 16 मार्च से शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस आयु वर्ग के सभी लोगों को अब एहतियाती खुराक दिया जाएगा। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन 16 मार्च को लाइव होगा। 12 से 14 साल के आयु के बच्चे के माता पिता स्लॉट के लिए covid.gov.in के माध्यम से इस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।